जैसा कि मुझे कोई पूछा था कि बूटेबल पेन ड्राइव कैसे बनाते हैं, तो मैं ये सभी पेन ड्राइव को बूटेबल बना के रखा हूँ, और ओएस लेगेसी है कोई कोई, और बहुत सारा कुछ पेन ड्राइव है UEFI में है, जैसे कि इसमें है Windows 7 Pro 64 बिट का UEFI मोड में है ये वाला पेन ड्राइव, और ये है लेगेसी में है, Windows 7 Pro 64 बिट का लेगेसी मोड में है, और ये Windows 10 का है, Windows 10 का UEFI मोड में ये है, और ये है Windows 8 का है, Windows 8 64 बिट Windows 8 Pro का, ये भी UEFI में है, और ये है मेरा एक DLC बोर्ड, इससे जैसे और इसको भी मैं UEFI में करके रखा हूँ, जैसे मान लीजिए आपका हार्ड डिस्क का OS कुछ करप्ट हो गया, तो उसको हम डेटा बैकअप लेने के लिए UEFI में रहेगा उसका OS, तो हम इससे उसका डेटा ले सकते हैं, बैकअप ले सकते हैं, जैसे सी ड्राइव करप्ट हो गया तो इससे बूट करेंगे हम इस पेन ड्राइव से विंडोज को, तो इससे बूट हो जाएगा और उसका सी ड्राइव का जो डेटा है उसको हम ले सकते हैं बैकअप पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क में, लेकिन उसको UEFI में होना चाहिए, और अगर मान लीजिए लेगेसी रहता है तो लेगेसी में हमको इस पेन ड्राइव को बनाना पड़ेगा, उसको बूटेबल बनाते टाइम उसमें ऑप्शन रहता है लेगेसी बनाना है कि UEFI बनाना है, वो हम बूटेबल बनाने टाइम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, तो ये सब पेन ड्राइव मैं फॉर्मेट करते रहता हूँ सिस्टम वगैरह को, इसीलिए हम लोग इसको बना के रखे हैं। तो कैसे बूटेबल बनाते हैं ये मुझे किसी ने पूछा था, तो उसको मैं बता रहा हूँ अभी आगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको चेक करके बताता हूँ कि UEFI और लेगेसी में क्या अलग अलग है ना, अंतर है। तो जैसे कि ये सिस्टम है लैपटॉप, तो इसको मैं अभी UEFI में बूट करूँगा और लेगेसी में बूट करूँगा, फिर क्या प्रॉब्लम होता है वो आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं मान लीजिए ये है, ये Windows 8 का है, Windows 8 64 बिट का है ना, क्लियर नहीं आ रहा है थोड़ा सा, Windows 8 64 बिट का UEFI है ये वाला पेन ड्राइव, तो इसको मैं लगा देता हूँ इसमें और सिस्टम चालू करूँगा, बूटेबल पेन ड्राइव है 8 का, लग गया। अब इसे मैं चालू करूँगा, इसका बूट मेनू F9 है, तो F9 प्रेस कर रहा हूँ मैं, सेट चालू, शट डाउन नहीं हुआ था इसीलिए है, स्टैंड बाई में था, पूरी तरह से शट डाउन है अभी, चालू किया और F9 दबाया, ये F9 है ना, अभी आ गया पूरा क्लियर, मेरे ख्याल से नहीं आ पा रहा है ना, तो इसमें ऑप्शन आ रहा है एक्सटर्नल OS USB ड्राइव, अगर यहाँ पे मान लीजिए ऑप्शन लेगेसी में रहेगा तो वो जो है ना बायोस में उसको चेंज करना पड़ता है, तो ये मैं कर दिया, अब ये इस पेन ड्राइव से लोड ले रहा है, सेटअप पीजी स्टार्टिंग लिखा रहा है, नहीं देखिए है ना, ये UEFI में है इसलिए आगे बढ़ गया। अब मैं मान लीजिए एक लेगेसी को इसमें डालता हूँ, इसका OS पहले से UEFI में था इसलिए ये UEFI को आगे बढ़ रहा है, जैसे मान लीजिए अगर इसमें लेगेसी में रहता तो किसी किसी सिस्टम में आगे बढ़ भी जाता है, यहाँ तक आगे बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे जो सिस्टम को हम फॉर्मेट करेंगे उस जगह पे आगे नहीं बढ़ेगा, उसमें सी ड्राइव में जैसे क्लिक करके हम, जैसे सी ड्राइव है ठीक है 97 GB का, तो इस सी ड्राइव के ऊपर ये नेक्स्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, अगर ये लेगेसी में रहता तो यहाँ पे नहीं आता, और मान लीजिए पूरा पार्टीशन को डिलीट करके मैं लेगेसी में इसको कर दूंगा फॉर्मेट, तो हो जाएगा होने को, लेकिन वो फिर से UEFI में मान लीजिए आपका बूट टेबल या फिर हार्ड डिस्क का डेटा कुछ हो गया तो दिक्कत होता है थोड़ा, तो उसको DLC से हमको लेगेसी है तो लेगेसी और UEFI है तो UEFI इसको बना के रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये UEFI मोड में है, ठीक। अब मैं लेगेसी को ट्राई करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, क्लोज कर दिया, यस ये है मेरा Windows 7 का, इसमें इसको मैं लेगेसी में बनाया हूँ, ये है ना,
मैं ये नहीं कहता कि मैं सब कुछ जानता हूँ, बस मुझे जितना जानकारी है आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये देखिए, जैसे लेगेसी है तो यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, नेक्स्ट में इसका डेटा नहीं बच पाया, इसका डेटा वो दिक्कत हो जाएगा लेने में, है ना। तो चलिए मैं इसको फॉर्मेट नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको चालू कर रहा हूँ और बूटेबल कैसे बनाते हैं वो बता रहा हूँ मैं। मेरे पास में खाली पेन ड्राइव ये वाला है ना, ये पेन ड्राइव अभी ब्लैंक है, पूरा खाली है, तो इसको मैं बूटेबल बनाऊंगा लेगेसी में, और UEFI में कैसे बनाना है वो बता दूंगा। बूटेबल बनाने के लिए कई ना कई तरीके रहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे पावर ISO से भी बनाते हैं बूटेबल, पावर ISO ये सॉफ्टवेयर से, और कमांड के थ्रू भी बन जाता है पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने, और मैं यूज करूँगा ये इस टूल्स को, क्लियर नहीं दिख पा रहा है, रूफ़ोस का 3.6 वर्जन है, इसको ओपन करेंगे। मैं पेन ड्राइव को लगा देता हूँ, पेन ड्राइव लगा दिया, यहाँ पे मेरा पेन ड्राइव शो हो रहा है 16 GB का। यहाँ पे मेरे को OS सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट OS, यहाँ पे मेरे को लोकेशन, जो भी इमेज फाइल है, जैसे मेरा विंडोज 8.1 का ये बूटेबल पेन ड्राइव है, ये बना के यहाँ पे मतलब बूटेबल बना रहे हैं इसको, रूफ़ोस 3.6 इस वर्जन से, और NTFS में जा रहा है UEFI पे। तो बस थैंक यू, बस इतना ही था।